हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले टोरेंट पावर लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 13 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1.5% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 10% की तेजी देखने को मिली है। एक महीने के अंदर 25%, 3 महीने में 26%, 6 महीने में 27% और 1 साल के अंदर 47% की तेजी देखने को मिली है। लगातार देखें तो इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलाएगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखिए तो स्टॉक लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 600 रुपीज। 600 रुपीज इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये स्टॉक जब तक इससे ऊपर रहता है इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में एक हाई बनता हुआ नजर आया 724 रुपीज। 724 रुपीज का इस स्टॉक में एक हाई बना। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 650 रुपीज, 650 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 790 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।